पीछे से मिल ले ऐसे छुप छुप के वाला हो, पहले मम्मी पापा से डरा करते, हाँ आजकल वाइफ से डरना पड़ता है। क्या हो गया? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू प्रैंक वीडियो। आज करने वाले हैं एक और मस्त प्रैंक, फिर से करेंगे सीमा के ऊपर। और सीमा इस बार जा रही है अपने माइक पे 1 से 10 जून, तो भाई हम उस पर क्या मजे लेने वाले हैं बिल्कुल आप तक देखना। अच्छा लगे तो भाई लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, फटाफट से देखते पहले जाके बाहर। आज पूरा दिन व्लॉगिंग भी करेंगे, व्लॉग नहीं करेंगे, व्लॉग दिखाएंगे उसको कि हम व्लॉग कर रहे हैं, बट मकसद याद रहना चाहिए। चलो मकसद पूरा करके आते हैं। अरे सिंकुर क्या कर रही है? रोटियां बना रही है मेरी रोटियां। भाई एक बात तो सही कही है किसी ने, गर्मियों में ना पक्षियों को पानी जरूर पिलाया करो, क्योंकि एक फायदा भाई बहुत सही होता है कि ना, अभी सीमा जा रही है अपने घर 10 दिन के लिए, अगर वाइफ को भेजना हो मायके तो पक्षियों को पिलाओ पानी, गर्मियों में भाई बहुत जरूरी होता है। अबे साले क्यों भाई, सही कह रहे हो ना? सही कहते हो ना, देख ले। अब तो फिर कब आएगी ये बता, 10 दिन में आ जाएगी ना? यार मेरा मन नहीं लगेगा पता है, पक्षियों को पानी देने का फायदा याद से जरूर रखें घर के बाहर, बहुत गर्मी पड़ रही है, 55 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है दिल्ली में भाई, बहुत गंदी गर्मी वाला, मतलब वैसे तो 50 दिखा रहा है बट है 55 से ज्यादा। और इस टेम्परेचर में हम गैस के आगे खाना बनाते हैं। और भाई इनके लिए तो बस क्या ही बताऊं, होगी रोटियां पैक सारी? आप तो खुश होते भाई, हम तो खुश होते हैं बस क्या बताएं, ऐसे ही खुश रहते हैं हम तो भाई पूरे दिन खुश रहते हैं, चाहे कोई हो चाहे ना हो। अब तू नहीं भी होगी तब भी बहुत फर्क पड़ेगा वैसे मेरे को, क्योंकि सारा खाना खुद ही बनाना पड़ेगा और भाई सारे इंतजाम करने पड़ेंगे। अभी तो जा रही माइक है, इसको तो रोक नहीं सकते, इसका जाना भी जरूरी है और हमारा यहाँ रहना भी जरूरी है। तो चलो रेस्ट करते हैं थोड़ा, फिर बाद में मिलते हैं आप लोगों को। भाई अभी लगाते कैमरा फटाफट कोने में और इसके बाद करते मस्त वाला प्रैंक। तो भाई यहाँ लगा दिया कैमरा कोने में और अभी यहाँ पे करते हैं मस्त बात। हाँ जी तुम्हारी थी, क्या हुआ आ नहीं रही? अब आ रही है ना 1 महीने के लिए? हाँ हाँ, अरे कोई नहीं, घर में तो कोई भी नहीं है, जा रही है बस, जल्दी जाएगी घर पे। हाँ 1 जून को चली जाएगी, 10 जून को आएगी, 1 से 10 तेरा यार बिल्कुल फ्री। हाँ जितनी भी यादें थी ना हमारी सारी यादें ताज़ा करेंगे, बस देखती जा तू, मैंने बहुत सारे सरप्राइज़ प्लान कर रखे हैं तेरे लिए, इतने सरप्राइज़ हैं कि भाई तू पागल हो जाएगी। 10 दिन के लिए फुल वही छुप छुप के जैसे पहले करते थे। एक मिनट, चल ठीक है, एक बार मैं आ गया, कोई आ गया दोस्त आ गया ना मेरा, मैं बाद में करता हूँ जैसे बात, ठीक है ओके। नॉक तो करके आया कर बेवकूफ। अच्छा अपने घर में लॉक करके आऊंगा? नॉक करके है ना, ऐसे पता लगता है। अपने घर में क्या दिक्कत है? ऐसा क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, वो बात कर रहा था दोस्तों, प्लान कर रहा था कुछ। किससे कर रहे थे? दोस्त था मेरा, उससे बात कर रहा था मैं। वो एक मेरी फ्रेंड है, जैसे मिलते थे चुपके। मेरी एक फ्रेंड है वो आ रही है मिलने के लिए, कनाडा से आ रही है अभी, तो जून में आएगी वो भी, मतलब 4-5 तारीख के आसपास, 1 महीना ही रुकेगी, मतलब अपने घर पे दिल्ली में, दिल्ली के ना कनाडा से आई है तो 1 महीना ही रुकेगी। मैंने कहा भाई तो अब ये भी जा रही है, मैं पूछ रही थी आपकी वाइफ क्या कर रही है वो करके, मैंने भाई मेरी वाइफ तो घर जा रही है अपने, तो मैंने कहा देख ले अगर कोई प्रोग्राम बनता है तो अपना पीछे से कहीं घूमने फिरने का, मतलब फिर ये हम भी यहाँ पे खाए पूरे दिन बैठे क्या करूँगा, ऑफिस भी मंडे फ्राइडे ऑफिस होगा, ऑफिस शाम को थोड़ा निकल लेंगे 1-2 घंटे के लिए मिल लेंगे, फिर कहते हैं हाँ चलो ऐसा कर लेते हैं। तो बस वही प्लान कर रहा था कि कैसे क्या करना है। आप ये कहना चाहते हो कि वो जो भी आ रही है या आ रहा है वो जो भी है आ रही है, घूमने जाओ बाहर? नहीं यार दिल्ली में ही, मतलब 2-4 घंटे घूम लिए, अब फिर वो मतलब तू नहीं होगी तो फिर खाना वाना बना दे कभी, मतलब भूख लगे तो मेरे को, जैसे बाहर का डेली खाना पेट दर्द हो रहा था, गर्मी का वैसे ही वो है गर्म मौसम, बात तो सही है पेट जल्दी खराब पकड़ लेता मेरा, तो भाई तेरे को पता है बाहर खाना खाते हैं। स्पेशल फ्लाइट करी है ना? और नहीं फ्लाइट की बात नहीं, इसकी बीवी जा रही है, इसको बंदी प्रोवाइड करो कुछ भी। या तू फिर बंदी प्रोवाइड की बात मत क्या कर, 24 घंटे बंदी प्रोवाइड बात नहीं हो रही, बात हो रही सिंपल तो बात है, नहीं खाना बना देगी इतने टेम्परेचर, अरे अभी वही जा रहे थे वहां भी इतना डिग्री हो भाई, 25 डिग्री हो रखा, मैं बता तो रहा हूँ आपकी रोटियां। अरे अभी मैं ब्लॉग भी बनाऊंगा पूरे दिन का बनेगा, आज तो ब्लॉग सोच रहा हूँ मैं, अब मैं ब्लॉगिंग शुरू करूंगा, ये प्रैंक वैंक मेरे को अच्छे लगता है, तू बहुत हो गया तू वैसे दुखी रहते हैं लोग बोलते हैं प्रैंक करता है, तो आपका कुछ भरोसा ही नहीं होता, कब सच बोल रहे हो कब झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। वो आएगी ना अभी, मैं सीन बता रहा हूं क्या है, मुझे नहीं सुनना बकवास,
या तो मेरे को टेंशन दे के भेज रहे हो। टेंशन दे के नहीं भेज रहे, तू जा तो रही है, अब ये देख सोचती रहे। प्यारी समझ गई। नहीं टेंशन दे के नहीं भेज रहे, क्या सोचती है घर पे क्या करेगी, घर पे आ जाए तेरे पास चाबी रहेगी, फोन कर दियो, फोन पे अवेलेबल नहीं हूँ मैं, क्यों कर दू फोन। अरे बस वो यही कह रही थी, मैंने कहा भाई सामने आ जा, कहती नहीं सामने नहीं आ सकती, अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा क्यों, ये आपके प्लान होंगे? नहीं वो कह रही थी जैसे कॉलेज में मिला करते ना चुपके चुपके, जैसे चुप चुपके मिलने में अच्छा। मिलने का मजा तो आएगा ऐसे करके, लेकिन चुप चुपके में मिलने का मजा तो आएगा। तो मैं चल ठीक है चुप चुपके मिल लेता हूं भाई, बंदी तीन दिन मतलब 5-10 साल बाद आ रही, 5-7 साल बाद तो वाली बात वैसी है नॉर्मल, मतलब कि मिल लेंगे चुप चुप के, मतलब कि तू नहीं मिले पीछे से मिल ले ऐसे चुप चुप के वाला हो। पहले मम्मी पापा से डरा करते, आजकल वाइफ से डरना पड़ता है। क्या हुआ, बड़े बढ़िया जोक मार रहे हो मेरे सामने। जोक नहीं मारा, प्यार से बोल रहा हूँ कि पहले पापा मम्मी से डरा करते, डरना कुछ गलत है, गलत नहीं कर रहे तो पहले भी गलत नहीं कर रहे बबलू, पहले भी गलत नहीं करते थे, अभी भी गलत नहीं कर रहे, बट वो होता है ना कि दूसरी लड़की आ जाती देखते क्या होने वाला है, वो वाला सीन होने वाला क्या, कुछ नहीं होता है। प्लान है घर पे अपना इकट्ठे बैठेंगे, चिप्स विप्स खा लेंगे, रोटी वोटी बना देगी, एक दो दोस्त और देंगे। वो 5 की फ्लाइट है उसकी रात की, तो मैं लेने जाऊंगा फिर 5 को, आई गेस यहीं पे स्टे कर ले क्या, ठीक है। मैं भी जब वो स्टे हो जाएंगे, छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, 5 का क्या बढ़ रहा है, तू पागल है, एनवायरनमेंट डे है। नहीं वो तो ठीक है, 5 का पड़ रहा है वेडनेसडे। अब तो ऑफिस हो गए, नहीं रात की फ्लाइट है ना कनाडा से आ रही ना, तो रात का ही ऑफिस होता है। अरे रात का कहाँ होता है, 10:30-9:30 तो हो जाती है छुट्टी, 10 बजे की 10:30 की फ्लाइट है उसकी। बकवास ना करो, और आ भी रहा है ना कोई, तो तू तो अपने घर जाना एक तारीख को, 10 दिन ना मेरी बात, आ भी रहा है ना कोई, तो अब आके जब जा चुके होंगे ना मैं तभी जाऊंगी। नहीं तू तो एक महीने के इंटरनेशनल कौन से कुक आ रहे हैं, कुक नहीं आ रहे हैं, खाना भी बनाएंगे, सुन मेरी बात, गुस्सा मत कर। बात ये है कि वो वहाँ से आ रही है, वो बस अपनी फैमिली से मिलने आ रही है, तो मेरे को कह रही थी तू भी फ्री है ना, मैंने हाँ फ्री हो ही जाऊंगा रात को, और ये भी जा ही रही है। स्टे करने का क्या मतलब है, थोड़ी देर स्टे कर लेगी, मैं भूख लगती नहीं, रात को नहीं 12 बजे छोड़ दूंगा घर पे, मैं छोड़ दूंगा। अरे मतलब वैसे घूम लेगी, उसकी फैमिली में उसको घुमाने वाला है, भाई वगैरह भी है, बट मैं तो फ्रेंड हूँ ना कॉलेज का, होगा चल था पहले, मतलब अरे यार तू गुस्सा हो जाती पहले, एक तो ये चेयर देखिए काम फेंक रखी है, ये तो उधर डाल लिया उधर डाल, इसको पीछे गर्मी लग रही है, चलो मैं पंखा तेज कर ले, क्या चाहिए तू टेस्ट करा और फिर ऐसा कर, और तेरी छुट्टियां कब से 31 है ना, मैं नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही, किसी को अभी फोन कर रही हूं, सारे प्लान आपके लिए कैंसिल कर दूं, कनाडा से फ्रेंड नहीं नहीं चीजें बुलाते एकदम से, तो मेरी फ्रेंड मिलने आ रही है, सिर्फ वो मिलने के लिए आ रही है, मिलने के आ रही है, बकवास कर रहे हो, तो पेट में घुमाऊंगा, घर पे लाऊंगा, घर पे इसलिए लाऊंगा क्योंकि खाना आता है बढ़िया बनाना, सुनना उसको खाना बढ़िया बना, पहले 7 साल पहले जब कॉलेज में बनाती थी कहती कि मैं मेरे पीजी वीजी पे फ्लैट पे बहुत सही बनाती हूँ, बहुत सही बनाया करते हैं, तो इकट्ठे वही तो कह रहा हूँ चोरी छुपे हम बहुत मिला करते, भाई मैं मस्त खाना बना के खिलाया करती, बहुत मजा आया करता, तेरे को नहीं 40 साल की हो रही हूँ, 40 कैसे हो रही है, मैं 40 का नहीं हो रहा, 40 का कहाँ हो रहा हूँ, 35 का हूँ, 35 का हूँ, 36 के हो, बॉडी देख रही है, और वो भी फिट है बिल्कुल, देखेगी ना तो कहेगी जल नहीं, फिर तेरे पे जली सी पिरंग बनाऊंगा मैं, सोच रहा हूँ मिलवाऊंगा ही नहीं तेरे को मैं। वुमन इधर है, तू आके देखो कौन आएगा, तू मेरी फ्रेंड है कॉलेज में, जैसे आप ये इनडायरेक्ट वे में सोच रहे हो ना कि मैं घर जाऊं भी तो टेंशन से जाऊं, या फिर जाऊं ही ना, आप जा, मैं तो चाह, मैंने पक्षियों को पानी ऐसे पिलाया था एक महीना, पक्षियों को पानी क्या पिलाते हैं, ऐसी परपज से करते हो तो सारी कुछ, कि पक्षियों को पानी पिलाऊंगा तो ये मिलेगा, नहीं अगर उसको खाना खिलाऊंगा तो ये मिलेगा, ऐसा नहीं होता, पर कहीं ना कहीं तो भगवान भी सोचता है हमारे बारे में, तभी तो तू जा रही 10 दिन के लिए, सही कह रहे हो, और वो भी आ गई बाय कोइंसिडेंस, पक्षियों को पानी पिलाया फ्लाइट से उड़ते हुए आ रही है, मजाक की बात, पर लगा के आ रही है बंदी, सुन तो ले मेरी बात, मार क्यों रही, फिर मारने क्या होती थी इसमें, गुस्सा आ रहा मेरे को, तू गुस्सा आ रहा तो फिर क्या हो गया, किसी भी अंटसंट का फोन लगा के, अंटसंट को नहीं, सुन मेरी बात, नहीं वो आएगी 5 तारीख को, चाहे वो 10 को आए मैं जाएंगे, कहाँ नहीं जा रही घर, क्यों अब घर क्यों नहीं जा रही, वो तो एक महीना रुकेगी, तेरी छुट्टियां कैंसिल हो जाएंगी, तो यार आप लेट नाइट तो घुमाओगे मेरे को, घुमा लो अच्छा अच्छा खाना, तेरे को तो घुमाता रहता हूँ, हाँ तो अरे मतलब तो वो फ्रेंड आ रही है, तो मैं कह रहा हूँ तेरी तो वो एक महीना रुकेगी यहाँ पे 30 तारीख तक, तेरे एक को स्कूल खुल जाएंगे जुलाई में, फिर तू पढ़ाने जाएगी बच्चों को, फिर तो क्या छुट्टियां खराब तेरी कब जाएगी घर पे अपने, बात तो सही है,
कोई बात होती है, जा ही नहीं रही। आपके जो लक्षण दिख रहे हैं ना, कभी कुछ कभी कुछ। ये तो थोड़ा दूर होके बात कर रहा है, मेरे को डर लगता है कोई ऐसा करके चाटा मार दे। हां मैंने मार दिया आपको चाटा, तो अच्छा नहीं लगता मेरे को भी, पता नहीं ऐसा लगता है इतना बड़ा सांड हो रहा है, इतना बड़ा नाराज पहले हो जाती है। नाराज क्यों हो रही फिर? मिल जाएगी कोई बात नहीं, तू जाइयो घर पे जा, आराम से, कोई टेंशन नहीं है, आ जा। अरे जाओ ना, बुला लो ना, किसको बुलाओगे? क्यों बुला रहा हूँ? कौन से फ्रेंड आ रहे हैं? अरे तो मेरी फ्रेंड ही आ रही है। फ्रेंड खत्म ना होते आपके, कुछ ना कुछ कुछ ना। अच्छा ले बात कराता हूँ तेरे लिए, उससे बात ले, बात कर ले उससे, उसी से बात कर लेना, पूछ लेना कब तक आ रही है, मेरे सामने मिल ले, बहन क्या दिक्कत है, ऐसा पूछ ले। बहन को फोन लगा, नहीं तेरी वाली, अपनी बहन को, मेरी बहन थोड़ी है, मेरी फ्रेंड है। लगाओ ना, लगा रहा हूँ, रुक जाना, ऐसे देख रहे हो। हेलो, हाँ सिमरनजीत क्या हाल है? अरे बढ़िया, तेरी आवाज सुन के खुशी आती है मेरे को। बेबी की सुन के ना? अरे हाँ, पीछे कौन है? वाइफ है। हाँ मैंने इसको बता दिया यार, क्या मतलब तू भी आ रही है। हाँ कह रही थी कि आ जा, लाओ बात करवाओ। हाँ ये सुन, बात कर ले एक बार, वो कह रही थी कि ना मिलना है ना फिर, तो तुम सामने मिल लो मेरे, ये अपने घर नहीं जा रही, कैंसिल कर दिया इसने प्रोग्राम। दे दो ना, सारी बता रखी है क्या हो रहा है, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। अच्छा ले बात कर ले तू ही। अरे वो नहीं, प्यार से गुस्सा कर दिया। कट देख ले, कट ले, देख ले, कट कर दिया, कट कर दिया, देख लास्ट कॉल देख, नहीं किसी का यार, मजाक कर रहा हूँ, देख प्रैंक कर रहा हूँ, उधर कैमरा लगा रखा पहले पहले पहले, वो वैसे था बस, वो तो एक प्रैंक करेगा, तो प्रैंक का ही पार्ट था वो वाला सारा। चुचू मुचू नहीं है भाई, माइक जा रही थी, माइक के मेरे कैंसिल करवा दिए प्रोग्राम, अब आपको भी कैंसिल कराना तो ये प्रोग्राम कुछ भी बना के प्रैंक। तो आपको प्रैंक अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना, और अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैंक वीडियो में, तो जा रही माइक वैसे, और मैं आपके लिए बैठी, जा फिर, तब तक के लिए बाय।